नमस्कार, मैं आयुषपाल, इन न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। थोड़ी देर में यूपी विधानसभा की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दें आज सदन में पेश होगा एससीआर विधेयक। लखनऊ समेत 6 जिलों के एससीआर बनने वाले हैं और इसको लेकर के कार्रवाई वहां पर शुरू हो गई है। एनसीआर की तर्ज पर एससीआर बनने वाला है स्टेट कैपिटल रीजन, और कार्रवाई तक आपको लिए चलते हैं। तो यूपी विधानसभा की कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। आज तमाम नए बदलाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। आपको बता दें थोड़ी देर में यहां पर पूरी की पूरी तस्वीरें जो है वो भी सामने आने वाली है। सदन में आज एससीआर विधेयक, लखनऊ समेत 6 जिलों में एससीआर बनने वाले हैं, इसको लेकर के विधेयक पेश किया जाएगा। एनसीआर की तर्ज पर ही अब एससीआर बनाने की तैयारी में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है। स्टेट कैपिटल रीजन में तेज होगा विकास और लगातार लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी जिला इसमें शामिल किया जाएगा। वहीं अगर बात करें तो उन्नाव, हरदोई और सीतापुर जिला भी इसमें शामिल करने वाले हैं। तो लगातार एनसीआर की तर्ज पर ही इसका निर्माण किया जाएगा और इसको लेकर के आज विधेयक विधानसभा में पार लाया जाएगा। आज विधेयक लाया जाने वाला है, इसको लेकर के चर्चा होने वाली है। तो ये बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं आज तमाम मुद्दों को लेकर के कार्रवाई में। ये सीधी तस्वीरें जो है ये आ रही है, आपको बता दें विधानसभा से ये सीधी तस्वीरें सामने आ रहे हैं। क्या कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है ये आपको सुना दें। निर्धारित है जबकि निर्माण में जो प्रयुक्त होने वाली सीमेंट, सरिया, मिट्टी, गिट्टी, बालू का अन्य सामग्री है मानव, उसके दाम लगभग समान है अथवा ग्रामीण क्षेत्र में लगभग बराबर होता है। इसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र के गरीब व्यक्ति सरकार से मिलने वाली अल्प धनराशि में आवास का निर्माण पूर्ण नहीं कर पाते हैं, परंतु अधिकारियों के दबाव के चलते निर्माण कार्य की बद्धता को देखते हुए या तो वो सूदखोरों के चंगुल में मानवर फंसते हैं या तो फिर बची खुची जमीन बेच करके या पैतृक संपत्ति बेच करके मानवंश को किसी तरह से पूरा करने का काम करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का कहना है कि शेड्यूल्ड ऑपरेट उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग इसका तय करता है। मानवर मेरा अनुपूरक है कि जिनका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं है धन के अभाव में, क्या ये सरकार उनका निर्माण कार्य उपयुक्त धनराशि देकर के पूर्ण कराने का काम करेगी? दूसरा अनुपूरक मेरा मानवर यह है कि जिन्होंने आवास पूरा नहीं किया उनके खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई होती है, वसूली की कार्रवाई होती है। मानवर मैं जानना चाहता हूं क्या ये सरकार गरीबों के प्रति इतना न्याय दिलाने का काम करती है तो क्या उनके रिकवरी को रोकने का काम करेगी? और तीसरा अनुपूरक मानवर यह है कि क्या सरकार जो शेड्यूल्ड रेट का निर्माण लोक निर्माण विभाग से कराती है तो क्या जो धनराश ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5 लाख रुपया मिलता है क्या लोक निर्माण विभाग के लोग 1.5 लाख रुपए में आवासीय सुविधा बना करके गरीबों को मुहैया कराने का काम करेंगे? ये तीन अपूरक मानवर हैं, इसका जवाब धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नियंत्रणाधीन अभिकरणों द्वारा विभिन्न प्रकार श्रेणी के आवासों के निर्माण हेतु वे अनुमान उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग से प्रचलित विशिष्टियों एवं जनपदवार निर्गत शेड्यूल ऑफ रेट्स के आधार पर तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन कार्यों हेतु केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्गत अद्यतन कुर्सी क्षेत्रफल दरों, शेड्यूल ऑफ रेट्स, DISR विशिष्टियों एवं दर विश्लेषण को अंगीकृत करते हुए कार्यालय ज्ञाप संख्या 200। ये तो आप पढ़ चुके हैं, जो अनुपूरक है उसका उत्तर दीजिए मंत्री जी। ये तो बहुत पीछे निकल चुका है, वो तो आपने जो दिया वो तो उन्होंने पढ़ दिया, जो अनुपूरक पूछा उसका उत्तर दीजिए। ये तो पढ़ा हुआ मान लिया गया, सबके पास है। आप उसके जो अनुपूरक कहेगा उसके ऊपर तय करने का एक सिस्टम है, उसमें माननीय अध्यक्ष जी निदेशक योजना अनुश्रवण एवं मूल प्रबंधन प्रभाग राज्य नियोजन संस्थान राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के प्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम के प्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश जल निगम के प्रतिनिधि एवं अधीक्षण अभियंता, दसम वृत्त, भवन वृत्त, सत्रहवा वृत्त के अतिरिक्त अनुसंरक्षण खंडों के अधिशासी अभियंतागण उपस्थित होकर नियम रेट तय करते हैं मानवर, और उन रेट तय करने के आधार पर ही हम आवास को देने का काम करते हैं। जो शेड्यूल रेट 10 वर्ष था
उसको बढ़ाने का काम नियमानुसार किया जाता है। अधिशासी अभियंता इंजीनियरिंग की एक कमेटी बनती है, उसके अनुसार तय करते हैं। मानभर जो गरीबों की बात है, गरीबों को सरकार आवास फ्री देने का काम करती है, और शेड्यूल रेट की जो बात माननीय सदस्य ने कही है उसमें 30/2/2014 को कुर्सी क्षेत्रफल दर सूची के अनुसार लखनऊ में आवासीय भवन का मूल निर्माण 13,700 वर्ग फीट था और अब इसको बढ़ाकर 18,866 किया गया प्रति वर्ग मीटर। तो इस तरीके से मानभर मूल्य निर्धारण हर जिले में विभाग के अनुसार तय किए जाते हैं, अलग अलग तय होते हैं। तो इसमें जो गरीबों की बात आई है, सरकार गरीबों को आवास फ्री बना के देने का काम करती है। जो 10 साल पहले के रेट की बात माननीय सदस्य ने कही है, उन रेटों को निर्धारित करने के लिए जो कमी आती है, तो जो अपर क्लास के लोगों से जो पैसा ज्यादा वसूल किया जाता है, उन गरीबों को आवंटित कर दिया जाता है। नहीं, आपके सवाल का ही उत्तर आया। नहीं, मेरे सवाल नहीं आया होता तो मैं मंत्री जी को कहता कि आपने आपने शेड्यूल ऑफ रेट की बात करी है। उन्होंने बताया कि हर जिले के हिसाब से, लखनऊ में जो रेट है वो अलग होगा, किसी छोटे जिले में सामग्री का, उन्होंने लखनऊ में बताया कि 13,000 से बढ़ा के 18,000 रुपये कर दिया। तो वो आपकी बात का पूरा जवाब मंत्री जी ने दिया, साथ में उन्होंने कहा कि गरीबों को अलग से मुफ्त